हाय, मैं हूं मजर सैयद। क्राइम पेट्रोल के और एपिसोड्स देखने के लिए सेट इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका फिफ्थ स्टार्टअप है ना? नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज माय नाइन्थ स्टार्टअप। जो चार आपको याद नहीं है वो इसलिए क्योंकि उनकी वैल्यूएशन अभी तक नहीं पड़ी, और जो पांच आपको याद है वो इसलिए क्योंकि पिछले छह महीनों में उनकी वैल्यूएशन बिलियंस में पहुंच गई है। वैल्यूएशन से ये एलिगेशंस हैं कि आप कंपनीज की वैल्यूएशन बढ़ाने के बाद उसे बेच देते हो, तो क्या ये स्टार्टअप भी आपका? इसमें एलिगेशन कैसा है? अरे बिल्कुल सच बात है यार। देखो इनल, इस इंडस्ट्री में दो तरह के लोग होते हैं। दूसरे वो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से धंधा चलाने का कोर्स सीख कराते हैं और हमारे बेचे हुए स्टार्टअप्स को चलाते हैं। एंड फर्स्ट? फर्स्ट मैं और मेरे जैसे लोग जो इन गधों को स्टार्टअप शुरू करके देते हैं, जिससे इनकी मैनेजमेंट की जो डिग्रीज है वो वेस्ट ना हो और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कंट्रोल में रहे। पर सैम, आपको नहीं लगता कि आपको कंपनीज को और होल्ड करना चाहिए जिससे कि आपकी वैल्यूएशन और इंक्रीज हो जाए? डेफिनेटली मिलती। देखो सीधे शब्दों में, मैंने धंधा शुरू किया है, कोई इमली और आम के पौधे नहीं लगाए कि पहले पेड़ बनने का इंतजार करूं फिर फल बनने का इंतजार करूं। यू नो, मैं इंस्टेंट रिजल्ट पर विश्वास करता हूं। जैसे वो लाला होता है ना, सुबह उसने माल बेचा, दोपहर तक कैश उसके गले में, शाम को उसने फिर से नया माल खरीदा, उधारी है ही नहीं। सैम, आप अपने यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं? कोई रोल मॉडल वगैरह नहीं होता, सब बकवास है। धंधा सबसे बड़ा होता है। जो आदमी धंधा करके पैसा कमाना जानता है वो खुद अपने आप में एक रोल मॉडल होता है, वरना जीरो। और दूसरी बात, आप नए हो लेकिन आपका कस्टमर पुराना है, वो सालों से आपकी कंपनीज के प्रोडक्ट और उनकी सर्विसेज को यूज कर रहा है। अगर आप उसको चूना लगाने की कोशिश करोगे और कस्टमर की अगर हट गई तो आपको चूने की दुकान पे बैठा देगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। खत्म करें। अच्छा ना सर, वो कस्टमर वाली लाइन ना कमाल की थी। सब बकवास। सही मायने में कस्टमर सबसे बड़ा बेवकूफ होता है, बस उसे इस बात का एहसास नहीं कराना चाहिए। अरे माइक लेके जाओ। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ एंड आई होप कि फ्यूचर में आपके साथ काम करने का मौका मिलेगा। अरे डेफिनेटली, क्यों नहीं। वैसे आज शाम को क्या कर रहे हो? क्योंकि एक छोटी सी पार्टी है, अगर आप चाहो तो। श्योर सर, आई लव टू। डोंट कॉल मी सर, ओनली सैम। ओके सैम, बाय। बाय, सी। यस डेविड, या आई रीच ऑन टाइम, बाय बाय। हाँ विवेक, प्रणाम। हमारे मैडम घर पर है? जी मैडम घर पर ही है। ठीक है, तुम गाड़ी घर में लो, उसके बाद वहां से एक पार्टी में जाना। मेरे लिए कॉफी। क्या हुआ, तुम्हारा वो क्यों उतरा हुआ है? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? किसी की मौत हो गई क्या? तू क्या हुआ? खुशी नहीं हुई मुझे यहां देखकर? अपॉइंटमेंट लेकर आता तो ज्यादा खुशी होती। शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं हूँ, पार्टनर हूँ। सिर्फ 25% का। चल कल ऑफिस में बात करते हैं। पिछले एक महीने से तुम्हारा कल नहीं आया। निधि, एक क्लाइंट तुम्हारी लाइफ बदल सकता है। तुम्हें समझ में आ रही है ना मेरी बात? I understand, ma'am. आज जो पार्टी है उसमें हो सकता है तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिले। Just grab it. Sure, ma'am. And thank you so much for your advice. मैम, आप पार्टी में आ रहे हो ना? Of course. Hi. Hi. क्या आदित्य, कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहे? 3 कॉल्स किए मैंने। मीटिंग में बिजी था। और मैसेजेस वो भी नहीं देखे क्या? 5 मैसेज किए मैंने तुम्हें। ठीक है यार, नहीं देखे तो फिर से शुरू मत हो जाओ यार, प्लीज। अरे मूड क्यों ऑफ है? ऑफिस में डांट वांट पड़ी क्या? कुछ नहीं हुआ है, बस तुम गर्लफ्रेंड से वाइफ बनना शुरू हो जाती हो तब दिक्कत होती है। अच्छा आदित्य, आज रात को बात नहीं हो पाएगी, वो मुझे ऑफिस के एक क्लाइंट पार्टी में जाना। फिर से क्यों जाना है तुम्हें ऐसे लेट नाइट पार्टीज में? यहाँ आदित्य ऑप्शन क्या है? ऑफिस की पार्टी है, वहाँ पे न्यू क्लाइंट्स मिलने के चांसेस होते हैं। मेल्स भी होंगे ना? वो कहाँ नहीं होते। अरे हम भी तो ऐसे ही मिले थे ना, याद है? डोंट वरी, इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब। See, I don't have any problem with your job. लेकिन क्या है ना, तुम्हें ऐसे पार्टीज में जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जब कहता हूँ कि मेरे साथ नाइट आउट पे चलो, तुम कहती हो कि नहीं।
शादी के बाद जाएंगे। और तो और तुम्हें शादी भी नहीं करनी है, एक साल बाद करेंगे, छह महीने बाद करेंगे। आदित्य, शादी करियर सेट होने के बाद अब मैं अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ। देखना, छह महीने में मेरा प्रमोशन हो जाएगा और सैलरी भी अच्छी हो जाएगी। सब करेंगे ना शादी? कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरे साथ खेल रही हो। मैं खेल रही हूँ? आदित्य, तुम एक बार सच सच बताओ, तुम्हारे घर वाले मुझसे शादी करने देंगे? कम्युनिटी बीच में नहीं आएगी? अब तुम ज्यादा मत सोचो, आई लव यू, चलो बाय। सुन निधि, लेट बिल्कुल भी मत करना। फिर पापा को लड़कियों का देर रात तक बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोगों में ये सब नहीं चलता बेटा। और तू ये मत भूल कि तेरे पापा पार्टी अध्यक्ष के पीए हैं। तेरे ऑफिस में जब उनसे पूछते हैं ना कि आपकी बेटी क्या करती है, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। तो पापा बता क्यों नहीं देते? मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, माँ इज्जतदार जॉब है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? और तेरी रात रात की पार्टी, ये सब क्या है? और ये इतनी छोटी ड्रेस क्यों पहनी है? कम से कम ड्रेस तो ढंग की पहन के जा। ठीक है, मैं बिल्कुल बहन जी बन के जाऊंगी अब, ठीक है? माँ, आप टेंशन मत लो, ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका और पापा का सर चुके। निधि रिया, आ जाओ। निधि, ये क्या हालत बना रखी? और ये चोट कैसी? वो मैं वॉशरूम में गिर गई थी पापा। वॉशरूम में गिर गई थी? 24 साल की होने को आई है बेटा, अपने आप को संभाल नहीं सकती। पता नहीं क्या होगा तेरा आगे। शांति, मैं निकल रहा हूँ, अध्यक्ष जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुझे आने में देरी हो जाएगी। निधि, निधि मेरी बात, निधि, निधि दरवाजा खोल बेटा। निधि बता मुझे क्या हुआ है, क्या हुआ है निधि? अरे बेटा दरवाजा क्यों बंद कर दिया? पर तू रो क्यों रही है? सर मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है? क्यों? सर सांप की बॉडी बहुत चिकनी और स्लिपरी होती है, और उसको कहीं भी चढ़ने के लिए थोड़ी खुरदरी, जैसे कि कोई पेड़ वगैरह या कोई गोलाकार, जैसे बिल्डिंग का कोई ड्रेनेज पाइप, इसकी जरूरत पड़ेगी। और जैसा कि आप देख पा रहे हो सर, ये वॉल एकदम फ्लैट है, और अगर सांप यहाँ चढ़ने की कोशिश भी करता है तो इस पर ग्रिप नहीं बना पाएगा और फिसल जाएगा। और सर फोरेंसिक रिपोर्ट में ये मेंशन है कि कुछ दिन पहले ही इस घर में पेस्ट कंट्रोल कराया गया, जिससे कि इस घर में कीड़े मकोड़े और रेप्टाइल्स ना आ सके। और सर जिस घर में ऐसी दवाइयां छिड़की गई, वह सांप अपनी मर्जी से कभी नहीं आएगा। सर ये नागेश का सोशल मीडिया अकाउंट है, 2 महीने पहले ही बनाया है। सर इसकी चैट में रागिनी से फ्लर्ट के अलावा और कुछ भी नहीं है, इसकी फ्रेंड लिस्ट में सिर्फ 2 ही लोग हैं। एक रागिनी है, दूसरा कौन है? सर ये सुचित्रा। पता करो ये सुचित्रा कौन है और इसका नागेश से क्या लेना देना है। सर रागिनी खाना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रागिनी की मौत सांप के काटने की वजह से हुई है।
कौन है ये औरत? नागेश इसे कैसे जानता है? इसकी और रागिनी की मौत एक ही तरह के सांप से काटने की वजह से हुई है। कौन है ये सुचिए साहब, मैं और नागेश जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी है साहब। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू अगले साल हमारे स्कूल में आ जाना। मैं 3 महीने बाद चेन्नई जा रही हूँ हमेशा के लिए। 12 साल पहले ये तो सर छोड़ के चली गई थी, दोबारा कब नागेश से मिली मुझे सर कुछ नहीं पता सर। रागिनी और सुचित्रा, इन दोनों केसेस में नागेश मेन सस्पेक्ट है, जो अभी तक हमारे हाथ लगा नहीं है, और जिसका मोटिव क्या है ये भी अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि सांप से खेलने वाले ने ऐसी दो औरतों को क्यों मारा जिनमें से एक उसकी बचपन की दोस्त थी और दूसरी औरत के साथ वो रिलेशनशिप में था, और अब ये कहाँ छुपकर बैठा है ये भी पता नहीं चल रहा। नागेश की माँ पर हमारी नज़र है, अपनी माँ से मिलने के लिए सही, नागेश को अपने बिल से निकलना तो पड़ेगा ही। उसके घर की तलाशी हमें भी लेनी चाहिए। अजय चौहान, ये रागिनी के केस में सांपों के दांत के बीच में डिस्टेंस करना है। एक मिनट, ये देखो सुचित्रा के केस में ये 1.25 mm है, रागिनी के केस में कितना है ये तो हमें अभी पता चल रहा है। एक मिनट, मैं पता करता हूँ। हाँ जी, आपके घर की तलाशी लेनी है, ये रहा सर्च वारंट। साहब आप तो पीछे ही पड़ गए हमारे, कुछ नहीं किया मेरे बेटे ने। सर, नागेश के कॉल रिकॉर्ड आ गए हैं। इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक गायब होने से 2 दिन पहले नागेश ने इस नंबर पर बैक टू बैक कॉल किए हैं। ये देखें। किसका नंबर है ये? नरेश, इसकी प्रॉपर्टी का कोना कोना छान मारो, इस बार कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए जिससे वो बच के निकल जाए। ओके सर। चेक करो, घबराइए मत, अब मैं नागेश का केस लड़ूंगी, उसकी बेल मैं करवाऊंगी। आप ये लीजिए, मेरा कार्ड रख लीजिए, एडवोकेट रागिनी खन्ना, ये नीचे ये मेरा नंबर है। कलाकार जी, मुझे भी अपनी तरह थोड़ी कला सिखाओ ना, मुझे भी सांप पकड़ना सीखना है, प्लीज प्लीज। हाँ हाँ हाँ, सिखा दूंगा। मुझे ना सबसे खतरनाक वाला सांप पकड़ना है, सबसे डेडली। दलदली वाला? वही, स्वैम्प एडा। बिल्कुल सही जगह है। हाँ? चलो चले। दलदली वाला सांप, किसी को काट लेना तो 60 सेकंड ज्यादा है लंबा होने में। ऐसे थोड़ी होगा, कोई तो दवाई होगी इसके जहर से बचने के लिए। एक बार अगर दांत गड़ा दिया किसी का बाप भी नहीं बचा सकता उसको। अच्छा, मैं पकड़ के देखूं? आप पकड़ो, सर से सर से। ये सर से पकड़ना। हाँ। सुचित्रा की लोकेलिटी का मैंने पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक किया। जिस रात सुचित्रा का मर्डर हुआ था उस रात ये गाड़ी उसके घर के पास नजर आ रही है, एंड सरप्राइजिंगली ये गाड़ी रागिनी की है। अभी हमारे पास काफी मटेरियल है इन डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए।
रागिनी मेन डोर के सीसीटीवी से छिपती हुई बंगलों के बैक साइड से विंडो से घर में घुसी होगी। और सुचित्रा जो ऑलरेडी गैरेंटीन में थी, रागिनी ने सांप का सर पकड़कर सुचित्रा को सांप से कटवाया होगा। आपकी परिस्थिति में समझ सकता हूं, ये पुड़िया एक दिन में एक बार लेनी, इसे आपकी नींद अच्छी आएगी। एक बहुत प्रूफ है हमारे पास कि उस रात रागिनी कैसे आई, कैसे उसने सांप से कटवा कर सुचित्रा का मर्डर किया। तेरी और रागिनी की सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल से लेकर लैंडलाइन तक, यहां तक कि नागेश के साथ की तेरी सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। सीधी तरह से बोल, क्यों किया ये सब कुछ? बोल। नफरत करता था मैं सूची, हमेशा रोती रहती थी, प्रॉब्लम्स ढूंढती थी, वो कभी एस्ट्रोलॉजर कभी टैरो कार्ड रीडर, इन्हीं फालतू चीजों में लगी रहती थी। और रागिनी, तू अगर उससे प्यार करता था तो उसे मारा क्यों? मारा नहीं, मर गई वो। गोविंद, she's dead now. रागिनी, हेलो रागिनी। गोविंद, साहब ने मुझे डस लिया। गोविंद, क्या? आई, अब से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं बेटा, आप जाओगे, बाबा आ जाएंगे ना, फिर आपकी फीस दे देंगे। पर प्रिंसिपल मैडम ने तो कहा। प्रिंसिपल मैम ने एक हफ्ते का टाइम दिया है, और आप क्यों टेंशन लेते हो? आप सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है? क्या बदतमीजी? काई दादा, मजा नहीं आया? चलना अंदर चलते ना, तुम्हारा नवरा तो वैसे भी दो दो हफ्ते बाहर। क्या बदतमीजी है भाभी, समझ में नहीं आता क्या? तूने थप्पड़ मार दिया मेरे को, क्या हुआ? मैं नहीं, तू अंदर चल। ये बदतमीजी कहते थे मेरे साथ। भाई शपथ, क्या झूठ बोल रहे हो भाभी? मैं तो इनको मना करने के लिए आया था, इन्होंने मेरे को बुलाई थी। अरे भाभी, मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, मेरा घर छूट जाएगा, समझा करो। माना कि मैं ठीक ठाक पैसे वाला हूँ, लेकिन ऐसा गंदा ऑफर नहीं देने का होता ना। कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे, मैंने तो कुछ नहीं बोला। बातें कर रहे हो, गंदे गंदे इशारा करती है, अभी जब मैं मना करने के लिए आया तो तमाशा कर रही है। तुम इतना ही सच बोल रहे हो ना, तो पुलिस में जाकर कंप्लेंट करो, ये मोहल्ले में तमाशा मत करो। हाँ जाओ ना, पुलिस कंप्लेंट करो मेरे नाम का, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। कौशिक भाव, भाव वो मेरे पैसे। नरेश भाव, बहुत थक गया हूँ, सुबह बात करते हैं। भाव, 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 जरूरत है मेरे पैसे कब तक? नरेश भाव बोल रहा हूँ, बहुत रात हो गई है, मैं थक गया हूँ, सुबह बात करते हैं आराम से। मैं करता हूँ, सुबह सुबह बात करते हैं। नरेश भाव दो दिन पहले भी आपको पूछ रहे थे। अरे वो मैं सुबह देख लूंगा। कहाँ है मिनी? कहाँ है मिनी? पापा, पापा। माँ रुचा कैसे? देखो बाबा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। पर पापा ये तो गंदी है। बेटा वो गुजरात से चलते चलते आई है ना, तो रास्ते में गंदी हो गई, आप इसको नहला के अपने जैसा सुंदर बना दो। पर बाबा अगली बार से नई वाली डॉल लाना। ये तुम्हारे बाबा के लिए, कल मिलके उनको लूंगा। बहुत महंगी भी लग रही है, कितने टाइम का खाना छोड़ा ये खरीदने के लिए। अरे वो तुम छोड़ो, इनके चेहरे पे स्माइल देख लूंगा ना, मुझे बस मुझे वही चाहिए। अच्छा हाथ मुंह धो लो, मैं चाय लेकर आती। क्या हो, आप उदास लग रही हो? कुछ नहीं, बस यहाँ सब क्यों धारे चुका के चलते हैं इनसे। फिल्म बस दो चार महीने की बात है, सबका कर्जा वापस करूंगा और ये घर बेच के कहीं और सेट हो जाएंगे हम लोग। तुम दोनों को बेहतर जिंदगी दूंगा, ये मेरा वादा है। मेरे घर, मेरे घर।
तू पुलिस कंप्लेंट क्यों देगी? कब तक क्यों सहती रहेगी? अरे मोहल्ले में आधे से ज्यादा लोगों से कर्जा लिया तेरे पति ने, अरे वो अपना घर क्यों नहीं बेच देता? कम से कम छोटा सा घर ले लेते, लोगों का कर्जा तो उतर जाता। कब तक क्यों सर फुड़वाती रहेगी बेटा तू? वो घर ही तो आखिर ही सहारा बच जाए। कोविड में तो सब कुछ भी किया, अपनी ट्रैवल कंपनी थी इनकी, 5-5 गाड़ियां, 3 ड्राइवर्स थे, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। पापा, मैं वो कुछ सोच कर आई थी। सोचा तो मैंने भी था बेटा, तेरे और धीरज के बारे में। कौशिक तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। काश अगर तेरी शादी धीरज से हुई होती तो आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। और वैसे भी धीरज तो तुझे भी पसंद था ना। हेलो, हाँ सर। ओके सर, ओके सर। अब धीरम, मुझे लगता है आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। धीरज, हमारा ये प्लान पिछले हफ्ते से बना हुआ है और तुम ऑलरेडी 3 बार कैंसिल कर चुके हो। तो मैं क्या करूं नीलम? मैं मीटिंग कैंसिल कर दूं? क्या अपने मैनेजर को कह दो कि मैं अपने मंगेतर के साथ फिल्म जाना चाहता हूं? नीलम, तुम जानती हो ना, ये बिजनेस करना, उसके लिए फाइनेंस इकट्ठे करना, ये कितना मुश्किल काम होता है। तो मैं कौन सा कह रही हूँ कि काम मत करो? पूरी दुनिया काम करती है और सबको टाइम मिलता है सिर्फ तुम्हें छोड़कर, और मैं कौन सा तुमसे रोज रोज टाइम मांगती हूँ, और कितना टाइम मांगती हूँ, 1 घंटा, आधा घंटा बस, पर तुमसे वो भी नहीं हो पाता। धीरज, मैं इस रिश्ते को अब और अकेली नहीं निभा सकती। अब जब तुम मेरे लिए टाइम निकाल पाओ ना, तब ये लाकर मुझे दे। धीरज से जब तेरी सगाई टूटी थी, अगर तभी मैं अड़ गया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना होता। आज भी धीरज तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। बाबा, कैसी बात ही कर रहे हैं आप? शादीशुदा हूँ मैं और कौशिक है मेरे पति। पता नहीं आप कब अपनाएंगे उन्हें। बाबा, बस आखिरी बार हमारी मदद कर दीजिए, फिर हम कभी आपसे कोई मदद नहीं मांगेंगे। सब जगह ट्राई कर लिया, कोई रास्ते नहीं बचा, तब आपके पास नहीं हूँ। बाबा दे दे। ताई, 70,000 रुपए हैं अभी के लिए, इतना ही हो पाया। मैं बहुत जल्दी लौटा दूंगी। बाबा, नीलम ताई जिंदगी भर ऐसे ही परेशान रहेंगी, हमें ही कुछ सोचना होगा इनके बारे में। अभी इतने ही है, ये देखकर कैब छुड़वा लो, बाकी का भी हम इंतजाम कर लेंगे। तुम बाबा के पास गई थी, क्या सोचेंगे मेरे बारे में नीलम? कुछ नहीं सोचेंगे, अपनी बेटी की मदद की है उन्होंने। मुझे लगता है मैं कभी अच्छा दामाद बन ही नहीं पाऊंगा, ना ही अच्छा पति, ना ही अच्छा बाप। 10 साल हो गए नीलम, हमारे बाबा ने अभी तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। पर मैं वादा करता हूं नीलम, एक दिन मैं सब ठीक करूंगा। अगले हफ्ते एक और मछली आने वाली है, आपके नाम से बुकिंग कर दो सर। बहुत अलग तरह की मछली होगी, देखिएगा, मजा आएगा। 10 बज गए, बाबा कब आएंगे? आ जाएंगे, तुम चलो रूम में चल के सोचो। नहीं, मैं इधर ही सोऊंगी, जब वो आ जाएंगे मुझे उठा देना। ठीक है।
कल आरामनगर मर्डर केस की चार्जशीट फाइल करनी है। रेडी है सर, बस सर के साइन करवाना, सुबह सर को दिखा के फाइल कर दूंगी। मैंने खुद रचा मेरे कत्ल का फसाना, ये शहर के रखवाले, इस केस में किसी को ना फसाना। बंद कर देना मेरे कत्ल की फाइल और सुनाना जब ये दास्तां मेरे घर पर, तो रखना चेहरे पे स्माइल। ये कौशिक कौन है? सर मेरे पति घर वापस नहीं आए, कौशिक शर्मा नाम है उनका। कब निकले थे घर से? दोपहर में, और अब वो फोन भी नहीं उठा रहे, ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया। क्या नाम बताया आपने? कौशिक जी। सर वो एक लेनदार है बबलू, विमान नगर में रहता है, उसी के पास अपनी कैब छुड़वाने गए थे। मैं एक साल से ध्रुव का सेशन ले रही थी और ध्रुव की जो प्रॉब्लम थी वो काफी कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है। मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों में आजकल मोबाइल फोन के एडिक्शन की है। डॉक्टर रस्तोगी, आप ध्रुव के स्टेट माइंड को इतने अच्छे से समझती थी, क्या उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसमें लाइफ थ्रेट हो, कोई ऐसी बात जो वो दूसरों को नहीं बता पा रहा हो लेकिन आपने ऑब्जर्व किया हो? करेंटली तो वो इम्प्रूव कर रहा था, लेकिन हाँ सेशंस के शुरुआती दौर में उसका बिहेवियर बहुत अग्रेसिव था, वो बहुत रेस्टलेस रहता था। उसे कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन से ही किया जा सकता था, बिना मोबाइल फोन के वो कहीं बैठ ही नहीं पाता था। मैंने नोटिस किया वो गोमजी नाम का मोबाइल वीडियो गेम खेलता था। लेकिन ये गेम तो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बैन कर दिया था। उनकी रिपोर्ट है कि इसमें जो ग्रुप प्लेयर्स होते हैं उनकी चैटिंग काफी अब्यूजिव होती है, जिसका बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आजकल तो लोग VPN के जरिए भी डाउनलोड करके ये गेम खेल रहे हैं। डॉक्टर रस्तोगी, ध्रुव जिस मोबाइल से गेम खेलता था उसका पर्सनल मोबाइल था, पर्सनल नंबर था? नहीं, वो अपने फादर के मोबाइल पे ये गेम्स खेलता था। सर मुझे नहीं लगता इन मोबाइल गेम्स के एडिक्शन का इस मर्डर से कोई लेना देना हो सकता है। ध्रुव अपने फादर के मोबाइल से गोमजी गेम खेलता था, हमें कमल के मोबाइल की गेम हिस्ट्री चेक तो करनी पड़ेगी। कमल का मोबाइल ले लो जांच के लिए। ओके सर। और अजय का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, और उसके दादा दादी को भी रैंसम का कोई कॉल नहीं आया अभी तक। कमल जी, हमने सुना है कि ध्रुव आपके मोबाइल में गेम खेलता था। हाँ जी। आपका मोबाइल चेक करना पड़ेगा, फोन दीजिए आपका। मैम मेरे मोबाइल में जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको मैं क्या दूसरे मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर कर सकता हूँ? जल्दी कीजिएगा। थैंक यू। और बेटा डरो मत, हमें ही बताओ कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ। अंकल मैं बाहर रोड पे गेम खेल रहा था, वो लोग मुझे एक सुनसान जगह पे खंडर में ले गए और मुझे बहुत मारा। बेटा कौन लोग थे वो? मुझे नहीं मालूम सर, उन्होंने गमछा बांधा हुआ था। गमछा बांधा हुआ था? अच्छा बेटा वो जगह हमें दिखा सकते हो जहां पर वो लेकर गए? नहीं अंकल मुझे याद नहीं है, मैं उन्हें डिच करके कैसे तैसे वहां से भागा है, वरना वो लोग मुझे मार डालते। अच्छा आपने हमसे बताया था कि अजय को पहले भी किडनैप करने की कोशिश की गई थी, तो क्या उस आदमी ने भी गमछा बांधा हुआ था? जी सर, लेकिन एक बात है, जब मैं अजय को रास्ते पे ढूंढ रहा था तो मैंने वहां आइसक्रीम कार्ट देखी, वहां पे कोई नहीं था। जब मैं वहां से जाने लगा तो मैंने देखा कि वो आइसक्रीम वाला वहां पे आया, उसका चेहरा गमछे से ढका हुआ था और वो कार्ट लेके चला गया। क्या
पहले तो आप कह रहे थे कि मुंशी के आदमियों ने किडनैप किया अजय को। सर मुझे अभी भी मुंशी पे शक है, लेकिन मैंने जो देखा मैंने आपको बता दिया। सर वो आइसक्रीम वाला मोहल्ले में अक्सर घूम घूम के आइसक्रीम बेचता है। चल बहुत आइसक्रीम बेच ली, थाने चला। क्या 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 हुआ साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। जहाँ जहाँ बच्चों के बाल काटे गए वहाँ हर जगह तेरी आइसक्रीम की गाड़ी दिखी है। और सर इसके मोबाइल में नीलम का नंबर भी मिला है, एक दूसरे को बहुत मैसेज और कॉल करते हैं लोग। मेरे से वो सब कुछ नीलम मैडम ने ही करवाया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें 51 बच्चों के कटे हुए बाल और 51 बच्चों के पहने हुए कपड़े चाहिए थे पूजा के लिए। मैंने तुमने ध्रुव सहित 51 बच्चों को किडनैप किया और मार डाला और साथ में अजय को भी। मैंने कुछ सर, मैंने ना ध्रुव को मारा है ना अजय को मारा है सर। मैंने तो दूसरे 51 बच्चों के कपड़े और बाल दिए थे नीलम मैडम को। नीलम मैडम ने जो भी किया होगा ना वो मुझे नहीं पता सर। जब तक ये सच कबूल ना करें। सर ये नीलम को उठा के उससे उगलवाने की कोशिश करते हैं। कमल के मोबाइल से मिला कुछ? सर मोबाइल में गोमजी गेम इंस्टॉल था लेकिन वो डिलीट हो गया था, इसको रिट्रीव करने की कोशिश कर रहे हैं सर। सर ध्रुव गोमजी गेम में 16 डिफरेंट मेंबर्स से चैट कर रहा था। इस ग्रुप में अलग अलग मेंबर्स की 16 यूनिक आईडीज भी है। ध्रुव की सबके साथ चैटिंग क्या होती थी? सर वही स्कैन कर रहे हैं। एक मिनट, ये ग्लू लिखा दिखा गई। सर पर ये चैट ध्रुव की आईडी से नहीं है, ध्रुव ने तो पिछले 6 महीने में ये गेम खेली नहीं थी। ये इसी के ग्रुप में से किसी एक मेंबर की चैट है किसी और के साथ। किसका आईडी है ये? सर इसका आईडी है TUB79 और उसकी चैट हुई थी GUT23 के साथ। एक मिनट मुझे चैटिंग पर श्योर सर। TUB79 लिखता है यार कोई MD आइडिया बता फुल प्रूफ। उसके बाद GUT23 लिखता है इजी और यूनिक है, एक फॉरेन फिल्म में यूज हुआ है। ब्लू से MD ये MD से उसका मतलब कहीं मर्डर तो नहीं है? सर ये लोग ऐसे ही कोड में बात करते हैं। फिर GUT23 लिखता है लिप बाम की जगह ग्लू लगा सील कर और एस कर दे एस। ये एस का मतलब कहीं स्ट्रेंगुलेट तो नहीं? तो मर्डरर ने गोमजी गेम की चैटिंग पर मर्डर का आइडिया लिया। ये ट्यूबिट है 79 और GU23 किसके आईडी है ये? ऑन टू इट सर। अजय बेटा पहले खा लो फिर मोबाइल देखना। खा लेना जल्दी। मंजीत जी हमें अजय को अपने साथ ले जाना होगा। अजय को? लेकिन क्यों? गुमजी गेम खेलते हो ना तुम? मैंने कुछ नहीं किया है। बेटा हमने तुम्हारी सारी चैट हिस्ट्री पढ़ी। GUT23 कौन है जिसने तुम्हें मर्डर का आइडिया दिया? मुझे नहीं मालूम, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा, मुझे आइडिया अच्छा लगा तो मैंने अप्लाई किया। ध्रुव दादा ने तुम्हें बुलाया है, बहुत अर्जेंट है। हाँ वो हो जाएगा, हम 2 मिनट में वापस आ जाएंगे। हाँ आजा। फिर मैंने ध्रुव की राइटिंग में वो लेटर लिखा और उसके घर छोड़ दिया। क्यों किया तुमने ये सब? और तुम तो बोल रहे थे कि किसने किडनैप किया था तुम्हें। वो मैंने झूठ बोला था, मुझे लगा आप दादा को छोड़ दोगे और मुझे पकड़ लोगे, इसलिए मैंने वो आपको झूठी कहानी बताई। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं दादा को अंदर करवाना चाहता था। वो मुझे हमेशा डांटते रहते थे, गेम भी नहीं खेलने देते थे। मैंने सोचा कि वो जेल चले जाएंगे
तो मैं आराम से गेम खेल पाऊंगा, क्योंकि क्योंकि दादी मुझे कभी कुछ नहीं कहती थी। सोनम दीदी, अगर हम सच बोलेंगे तो सच में मर जाएंगे। हाँ पियू, कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। तो हम झूठ बोलेंगे। हाँ, और हमें चुप रहना होगा। पियू, अगर मैं मर जाऊंगी फिर भी तुम चुप रहोगी। नहीं दीदी, अगर हम मरेंगे तो साथ में मरेंगे। मैक, तुम श्योर हो वो गैंगस्टर यहीं आने वाला है? हाँ यश, मेरे इन्फॉर्मर ने कहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड इसी एरिया में रहती है। पक्का आएगा वो। हेलो, आ गया वो। हाँ ओके यश, इधर। जल्दी डालो। यश, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हल्की सी खरोच आई है। गहरी चोट आई है। अरे मैं तू चलाता है साले। मैं क्या कर रही है यार? कोई तुम्हें खरोच पहुंचाने की कोशिश भी करे ना, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। और क्या रहा, अंदर डाल। गौरी, गौरी, कहाँ है? सोनम पे कहाँ है? माना मैंने उन दोनों की सारी स्कूल फ्रेंड्स को कॉल की, पर कुछ पता नहीं चला। पता नहीं दोनों स्कूल के बाद कहाँ चली गई। गौरी, तुम्हारे पास सिर्फ एक काम है, बच्चों का ध्यान रखने का। वो भी ठीक से नहीं रख सकते ना तुम। माना मुझे कोसने से अच्छा होगा कि उन दोनों को ढूंढो। तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे अपनी बच्चियों की, और ढूंढूंगा भी मैं ही। तुम ना, तुम यहाँ बैठ कर बहाते रहना अपनी घड़ियाली आंसू, समझी? सोनम, पियू, पियू, कहाँ चली गई तुम दोनों? बेटा, कहाँ थे तुम दोनों? ठीक तो? भाभी जी, बच्चे जब स्कूल से आए थे तो घर पे डाला था, तो मैं इन्हें क्लिनिक लेके गया। बेटा, जब आप लोग घर आए थे तो घर में ताला लगा था? थैंक यू डॉक्टर सुधा सर। अरे इसमें थैंक यू वाली क्या बात है, वैसे बच्चे बहुत प्यारे हैं। मैं चलता हूं। कहां गए थे? घर में ताला लगा के कहां गई थी तुम? मम्मी के पास गई थी। माँ के पास गई थी? अपने बच्चे भूलकर तुम्हें अपनी माँ की याद आ गई? उन्हीं के पास गई थी? मानव, बोलना क्या चाहते हो तुम? कुछ तो शक करो गौरी। अरे दो बच्चियों की माँ हो तुम। तुम्हारा धोखा खाकर मैं तो संभल सकता हूँ, लेकिन कभी सोचा है
तुम्हारे इन रंगीन हरकतों का इन बच्चियों पर क्या असर पड़ेगा? मानव, बच्चों के सामने तमाशा मत करो। तमाशा? मैं तमाशा कर रहा हूँ? हाँ, सर तुमने बेट खाई और मैं तमाशा कर रहा हूँ? पापा छोड़ो मम्मी को, पापा प्लीज छोड़ दो। तुम लोग जानते नहीं तुम्हारी माँ कैसे। ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं आंटी जी, बस छोटी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगी। छोटी सी चोट? 3 stitches आए हैं माँ। तू जल्दी से हल्दी वाला दूध बना दे। दूध नहीं मैक, प्लीज आंटी दूध नहीं पीऊंगा। कॉफी बना ला माँ, और बढ़िया सा डिनर बनाना आज। यश यहीं रहेगा आज से हमारे साथ। क्या यहीं रहेगा? इस हालत में तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुम अब से यहीं रहोगे, और वहाँ कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा? महक बहुत प्यार करती है तुझसे, तुझे तकलीफ में देखना नहीं चाहती। डाल दे जल्दी कर। हाँ आगे तक ले जाना, बराबर पकड़। हाँ पकड़ उधर बराबर। बलदेव भैया, यहाँ पर लाश है। क्या? सर ये सॉल्ट एयर रिएक्टर्स का हाउसिंग प्रोजेक्ट है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है यहाँ का? मैं हूँ सर। 2 साल पहले जब काम रुका था तब भी तुम ही कॉन्ट्रैक्टर थे? जी सर। तो क्या ये सब, किसकी लाश है ये? सर मुझे नहीं पता, काम रुका था, पूरी जगह सुनसान पड़ी थी, कोई भी आके लाश गाड़ सकता है सर। अभी भी मैं तुम्हारे घर से ही आ रहा हूँ, आज भी ताला लगा हुआ है। चलो मेरे क्लिनिक चलते हैं, फिल्म देखेंगे। नहीं अंकल। चलो। अरे दीदी हम मम्मी पापा को बता दें? नहीं, और दोनों डिस्टर्ब है, हम उन्हें नहीं बताएंगे। क्या नोटिंग के लगा रखे तुमने? हाँ एक दो थप्पड़ क्या लगा दिए तुमने? अपने माँ बाप को बुला लिया यहाँ पे? तो क्या करूँ, तुम्हारी मार सहती रहूँ? तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी नोटंगियाँ सहता रहूँ? बोलो। अरे सहे तो हम तुझे रहे दामाद बना के। आने दो तुम्हारे पिताजी को, बात करता हूँ मैं आज उनसे। क्या क्या बात करेंगे? बोले ना क्या बात करेंगे, ऐसे बदतमीजी से बात करोगे तुम उनसे? पियू सुनम बेटा आप अपने कमरे में जाओ। बोली बोलिए ना क्या बात करनी है आपको, बोलिए। क्या बात करूं, ऐसे बदतमीज के साथ मैं बात नहीं करता। अरे एक बार अपनी बेटी को तो देख लीजिए कम से कम। हेलो वक्रपाल जी। ओमकार जी हमने हमेशा मानव को अपना बेटा समझा है, और देखिए कैसे पीटा है इसने इसे, और वो भी इसीलिए क्योंकि ये इससे बगैर पूछे मुझसे मिलने आई थी। अरे सासू माँ आपसे मिलने का सिर्फ एक बहाना था, अफेयर चल रहा आपकी बेटी का। बस मेरी बेटी पे ऐसा घटिया इल्जाम लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बस बस कितने संस्कार हैं आप, ये बात सब जानते हैं, किसे छिपी नहीं है। मानव इस तरह से बात करेगा अपने ससुर से? कृपाल जी आप बैठिए। कृपाल जी मैं मानता हूं कि मेरा बेटा गर्म मिजाजी है, लेकिन गौरी को भी तो समझना चाहिए ना। क्या समझूं पापा जी, आप कहना चाहते हैं कि मानव सही है और मैं गलत? कौन सही है और कौन गलत ये तो ऊपर वाला ही जान रहा है, लेकिन अगर तुम सही हो तो तुम्हें मानव का विश्वास जीतना होगा। सुना ससुर जी कुछ सीखिए मेरे पापा से, इतना सब कुछ होने के बाद भी इसको एक चांस दे रहे हैं मेरे पापा। ये ब्रेसलेट और इनके डिजाइन तो मेल डिजाइन जैसे लग रहे हैं, तो क्या वहां पे किसी मेल की डेड बॉडी को दफनाया गया होगा? पॉसिबल है, पर कंफर्म तो जांच के बाद ही होगा। मेक इट फास्ट जी, एज सून एज पॉसिबल।
क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन तब तक रुकी रहेगी जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो डेड बॉडी किसकी है, मेल की या फीमेल की। मौत के वक्त उसकी अप्रोक्स एज क्या होगी, उसको कैसे मारा गया होगा और वहाँ पे उस डेड बॉडी का दफनाए हुआ कितना टाइम हो गया। बॉन्स की मास डेंसिटी के हिसाब से माना जा सकता है कि लाश यही कहीं 1.5 से 2 साल पहले दफनाई गई होगी और बाकी मैं आपको फाइनल रिपोर्ट में बताता हूँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.